हेलो गाइस, वेलकम टू एस जी द चैनल। तो आज मैं आप लोगों को यहाँ पर बताने वाला हूँ कि वोटर आईडी जो ई एपिक होता है, जो पीडीएफ फॉर्मेट में जो वोटर आईडी मिलता है, वो कैसे आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। चाहे आपका वोटर आईडी किसी भी टाइम बना हो, चाहे 10 साल पहले, 2 साल पहले, 5 साल पहले, 10 साल पहले, कहीं पर भी बना हो, कभी भी बना हो, कहीं पर भी बना हो, डजेंट मैटर। आप इस ऐसा जो यहाँ पर देख सकते हैं, ऐसा यहाँ पर ई एपिक आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। कुछ दिन पहले तक ये ई एपिक सिर्फ नए जो अप्लाई कर रहे हैं नए वोटर के लिए, उन लोगों के लिए ही अवेलेबल था, लेकिन अब जो ऐसा ई एपिक हर कोई डाउनलोड कर सकता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इसका फ़ायदे भी यहाँ पर बताने जा रहा हूँ कि ये डाउनलोड आपके पास जो आपका जो पीवीसी कार्ड तो होगा ही, लेकिन इसका भी कुछ अलग ही फ़ायदे हैं, आप लोगों को इसका उसके बारे में भी यहाँ पर बताने वाला हूँ। ठीक है, तो आप लोग वीडियो देखते रहें, और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर मैं दिखाता हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको प्ले स्टोर पर जाना है। ठीक है, प्ले स्टोर पर जाना है और यहाँ पे टाइप करना है आपको वोटर हेल्प। ठीक है, वोटर हेल्पलाइन आपको टाइप करना है। ठीक है, और ये जो ऐप देख रहे हैं इसको आपको डाउनलोड कर लेना है। मैंने यहाँ पर ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा है, तो मैं यहाँ पर इसको ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, तो ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन मैं ऑलरेडी यहाँ पर कर चुका हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर फिर से नहीं दिखा रहा हूँ। ठीक है, अगर रजिस्ट्रेशन ना भी करे तो भी चलेगा, लेकिन रजिस्ट्रेशन कर लेने से भी कोई बात नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना है आपको, यहाँ पर जो नीचे यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर ये जो देख सकते हैं ई एपिक लिखा हुआ है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, ई एपिक पर, तो यहाँ पर जो इसका ई एपिक के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है, थिंग्स यू शुड नो यहाँ पर लिखा हुआ है। क्या लिखा है यहाँ पर थोड़ा पढ़ लेते हैं और इसके बारे में जान लेते हैं। ठीक है, ई एपिक इज़ अ सिक्योर पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, मतलब ई एपिक इज़ अ पीडीएफ वर्जन ऑफ द एपिक। एपिक मतलब आपका जो वोटर आईडी कार्ड होता है पीवीसी, उसको एपिक बोलते हैं। ठीक है, विच यू कैन डाउनलोड ऑन मोबाइल और इन ए सेल्फ प्रिंटेबल फॉर्म ऑन द कंप्यूटर। तो आपको आप जो ये पीडीएफ आप अपने मोबाइल से भी डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर अपने कंप्यूटर से भी डाउनलोड करके आप प्रिंट भी करवा सकते हैं। ठीक है, और ए वोटर कैन दस स्टोर द कार्ड ऑन हिज हर मोबाइल, अपलोड इट ऑन डिजी लॉकर एंड प्रिंटेड एंड सेल्फ लेमिनेटेड। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, इसको आप डाउनलोड करके अपने मोबाइल पर भी रख सकते हैं, और डिजी लॉकर तो आप लोगों को पता ही होगा, डिजी लॉकर पर भी आप लोग अपलोड करके रख सकते हैं और प्रिंट भी कर सकते हैं, प्रिंट करके लेमिनेट भी कर सकते हैं। ठीक है, और लिखा हुआ है दिस इज़ एडिशन टू द पीवीसी एपिक बीइंग इशूड फॉर फ्रेश रजिस्ट्रेशन। तो ये है, ये मतलब ये जो ई एपिक जो होता है, ये पीवीसी का ही मतलब एक एडिशन होता है। ठीक है, एक्चुअली ये न्यूली रजिस्ट्रेशन जिसने भी कराया था उन लोगों के लिए ही पहले यहाँ पर अवेलेबल हुआ था, लेकिन अभी तो सबके लिए अवेलेबल हो गया है। ठीक है, तो जिन लोगों का मतलब अभी तक अप्लाई किया है, लेकिन बहुत महीना हो गया है, लेकिन अभी तक जो पीवीसी कार्ड अपने घर पर नहीं पहुँचा है, उन लोगों के लिए ये मतलब बहुत सुविधाजनक है, बहुत फ़ायदेमंद है। ठीक है, और यहाँ पर लिखा हुआ है नीचे, जो नीचे टिक यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या लिखा है, इक्वली वैलिड एज़ प्रूफ ऑफ डॉक्यूमेंट फॉर वोटर आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, ये वैसा ही काम करेगा जैसा आपका जो पीवीसी कार्ड काम करता है, सेम वैसा ही आपका वैल्यूएबल है ये जो पीवीसी कार्ड है पीडीएफ फॉर्मेट में। ठीक है, तो अभी क्या करते हैं डाउनलोड करने के लिए, तो यहाँ पर लिखा हुआ है डू यू हैव वोटर आईडी और रेफरेंस नंबर। तो यहाँ पर आपके पास अगर वोटर आईडी नंबर है आपके पास, तो भी आप पहले वाला आप क्लिक कर सकते हैं, और अगर आपके पास जो अप्लाई करते वक्त जो रेफरेंस नंबर देता है वो आपके पास है, तो यहाँ पर सेकेंड वाला आपको क्लिक करना है। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पर वोटर आईडी है, मैंने यहाँ पर कौन सा साल बनाया था, एक सेकेंड मैं यहाँ पर बता देता हूँ। मैंने यहाँ पर 2020 पे यहाँ पर मेरा जो वोटर आईडी कार्ड यहाँ पर बनाया था, मेरे पास पीवीसी कार्ड भी है, तो मैं अभी डाउनलोड करके आप लोगों को दिखाता हूँ। ठीक है, तो मेरे पास एपिक नंबर है, तो मैं यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ, और यहाँ पर लिखा हुआ है प्लीज़ एंटर योर एपिक नंबर, तो मैं यहाँ पर एपिक नंबर अपना डाल देता हूँ। मैंने यहाँ पर अपना एपिक नंबर यहाँ पर डाल दिया हूँ, और अभी यहाँ पर क्या करना है आपको, प्लीज़ सिलेक्ट स्टेट, तो स्टेट आपको सिलेक्ट करना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर क्या करना है, फैच डिटेल पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लोग यहाँ पर फैच डिटेल पे क्लिक कर देंगे, यहाँ पर नीचे यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आपका जो भी यहाँ पर डिटेल्स है आपका यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, आपको कंफर्म करना है और यहाँ पर प्रोसीड पे आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, प्रोसीड पे क्लिक करते ही आपके पास एक आपके जो मोबाइल नंबर है, मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा। अभी क्या करना है, वेरीफाई एंड डाउनलोड ई एपिक, तो यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे ही यहाँ पर क्लिक करता हूँ, ये डाउनलोड होकर आ चुका है। यहाँ पर देख सकते हैं बहुत ही सुंदर सा एक कार्ड, और ये कार्ड जो है पुराने जो
जो भी यहाँ पर पुराने जो वोटर आईडी होल्डर है उन लोगों के लिए नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो नए वोटर आईडी है वो लोग यहाँ पर सेम ऐसा ही कार्ड अपने घर पे भी यहाँ पर आ जाएगा, पीवीसी कार्ड, ठीक है, आ जाता है बाय पोस्ट। लेकिन हम लोग, हमने तो यहाँ पर 2020 में किया था मैंने अप्लाई, तो मेरा यहाँ पर नहीं आएगा, लेकिन ये जो कार्ड है जो पीडीएफ फॉर्मेट में, ये मैं यहाँ पर स्टोर करके रख सकता हूँ, डिजी लॉकर पर भी यहाँ पर यूज़ कर सकता हूँ, और मेरा अगर पीवीसी कार्ड खो भी जाता है तो इससे भी काम चलेगा आराम से, ठीक है। यहाँ पर जो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर पूरा ये जो डॉटेड लाइन है यहाँ पर बना हुआ है, इसको आप प्रिंट भी करके यहाँ पर अपना जो वोटर आई डी के साइज़ का यहाँ पर अपने आप यहाँ पर आईडी बना सकते हैं, ठीक है। और ये जो दिया हुआ है यहाँ पर स्कैन क्यूआर कोड को भी आप यहाँ पर स्कैन कर सकते हैं, यहाँ पर भी दिया हुआ है, ठीक है, क्यूआर कोड। तो यहाँ पर फिर डाउनलोड हो गया है, आपको क्या करना है, ये जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है शेयर का बटन, यहाँ पर क्लिक करना है आपको और यहाँ पर डाउनलोड कर देना है, ठीक है। डाउनलोड करने से आपका जो सेव हो जाएगा एसडी कार्ड पे, मतलब आपका मेमोरी कार्ड पे, या फिर आप यहाँ पर जो व्हाट्सएप के ऑप्शन पे भी आप क्लिक करके अपने व्हाट्सएप पे किसी के पास भी आप शेयर करके रख सकते हैं, ठीक है। तो यही था आपका आज का वीडियो, आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है, कुछ इन्फॉर्मेटिव आपको लगा है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, और नीचे कमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।